और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने राज्यों के अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 24 राज्यों में बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त की है और उनके नामों का ऐलान कर दिया है। सतीश पुनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभार दिया गया है और विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो बीजेपी की तरफ से 24 राज्यों में नए प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया है और 24 राज्यों के लिए अब बीजेपी की ओर से प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। हरियाणा में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, सतीश पुनिया को जिम्मा दिया गया है, नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई, प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में भी अभी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में किस तरह से पॉलिटिकल अप एंड डाउन हुआ पिछले 4-6 महीने में वो भी हमने देखा था। तो अपने मजबूत नेताओं को बीजेपी ने प्रभार दिया है और खासतौर पर उन राज्यों पर बीजेपी का फोकस है जहां पर अब हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं। महिमा कटारिया मेरी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। महिमा, 24 राज्यों के प्रभारी नए नियुक्त किए गए हैं, उनके नामों का ऐलान किया गया है, मुझे लगता है कि फोकस अब इलेक्शन स्टेट्स पर भी ज्यादा होगा। रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने 24 स्टेट, क्योंकि आपने सही कहा, 24 स्टेट के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं वहां पर नियुक्त किए गए हैं। अब क्या आखिर स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि कल देर रात तक भारतीय जनता पार्टी की लगभग 3 घंटे महासचिव की बैठक चली थी जिसमें तमाम बातें जो है वो डिस्कस की गई थी और प्रभारी सह प्रभारी को लेकर भी वहां पर बातचीत निकल के सामने आई थी। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि आपने सही बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुरजोर तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जिसके चलते स्टेट इंचार्ज और को इंचार्ज जो है वो बना दिए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं विनोद तावड़े को बिहार का इंचार्ज रखा गया है। पहले भी विनोद तावड़े बिहार के इंचार्ज रह चुके हैं। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज रखा गया है। सतीश पुनिया को हरियाणा का इंचार्ज रखा गया है। यानी इससे पहले जो प्रभारी थे वो बिप्लब देव थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगर हम बात करते हैं तो उनको झारखंड का बनाया गया है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक काफी मजबूत नाम निकल के आते हैं। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस बार जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि आपने जिस तरीके से बताया कि 24 प्रदेशों के प्रभारी की नियुक्ति की गई है जिसमें से दुष्यंत गौतम को फिर से उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर महेंद्र सिंह को बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के श्रीकांत शर्मा को बनाया गया है। हरियाणा का प्रभारी, क्योंकि हरियाणा पर इस बार रोहित काफी फोकस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से आधी यानी 5 सीटें ही बटोर पाई थी भारतीय जनता पार्टी। तो उसके मद्देनजर सतीश पुनिया को बनाया गया है। झारखंड में चुनाव है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है। हालांकि यूपी के पूर्व मंत्री सीनियर बीजेपी लीडर महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और महेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे थे। तो कई ऐसी बातें निकल के आती है। अगर स्ट्रैटेजी हम देखते हैं रोहित, तो स्ट्रैटेजी के मद्देनजर, क्योंकि अब जो मीटिंग्स का दौर है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। कल जम्मू कश्मीर, क्योंकि इलेक्शन है जम्मू कश्मीर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में बैठक हुई थी। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जो है वो कल जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे, लेकिन कल देर रात 3 घंटे महासचिव की बैठक चली थी। महासचिव की बैठक में तमाम बातें निकल के सामने आई थी। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी कई बातें सामने आई थी। उससे पहले आज प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है, यानी 24 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नहीं नियुक्त किए गए हैं। रोहित, शुक्रिया महिमा इस जानकारी के लिए।